आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा बहमनी साम्राज्य। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखा था, आज हम बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं यहां से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। पहला पॉइंट, अगर दोस्तों हम बात करें बहमनी साम्राज्य का और विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इन साम्राज्यों का उदय दक्षिण भारत में हुआ था और यह एक मुस्लिम साम्राज्य था। तो दोस्तों हम बात करें तो बहमनी साम्राज्य मध्यकालीन भारत का मुस्लिम साम्राज्य था। जैसे विजयनगर साम्राज्य मैंने बताया था हिंदू साम्राज्य था, इसी तरीके आपका दक्षिण भारत का बहमनी साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य था। और अक्सर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष हुआ करता था। उसका मात्र एक रीजन था या मात्र एक उसमें समस्या थी कि दुआब का क्षेत्र। दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो उसमें नदियों के दुआब क्षेत्र को लेकर, जो काफी उपजाऊ माना जाता था, दोनों ही साम्राज्य उस पर अपना विस्तार चाहते थे, जिसकी वजह से हमेशा ये लोग आपस में संघर्ष करते रहे। तो जिसका विस्तार दोस्तों दक्षिण भारत के दक्कन में था, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है आपका। इसकी स्थापना 1347 में तुर्क गवर्नर अलाउद्दीन हसन बहमन द्वारा किया गया था, या कहीं कहीं इसका दूसरा नाम हसन गंगू। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे जो भी बहमनी साम्राज्य से पूछा जाएगा वो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किया गया था। बहमनी साम्राज्य कैसा साम्राज्य था, तो ये मुस्लिम साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो हसन गंगू देगा वहां पे, या फिर आपका अलाउद्दीन हसन बहमन देगा। तो वहां पे जो भी विकल्प आपका देता है आप उसको सही कर देंगे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के ही समलर यानी समांतर में ही बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। मैंने जैसा बताया था दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अनेक राजवंशों का उदय हुआ था, जिसमें दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और आपका बहमन साम्राज्य महत्वपूर्ण माने गए। इसलिए दोनों ही साम्राज्य पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यानी ये आपका बहमनी साम्राज्य से भी संबंधित क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे और विजयनगर साम्राज्य का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। इसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में भी मैंने चर्चा किया, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध सफलतापूर्वक विद्रोह किया था। इसने गुलबर्गा को राज की राजधानी बनाई थी। तो याद रखना है दोस्तों बहमनी साम्राज्य के राज की राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा थी। बहमन साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1347 में। बहमन साम्राज्य की स्थापना किसने किया, हसन गंगू ने किया। और आगे चलकर इसी का नाम इसने अहमदाबाद रखा। तो यहां से जो बनने वाले बहमन साम्राज्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिंदु आपने देखा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना से रिलेटेड पूछेगा, संस्थापक पूछेगा, राजधानी पूछेगा। अब दोस्तों कुछ प्रमुख बहमन साम्राज्य के शासकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसे तो हम बात करें तो बहमन साम्राज्य में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उन सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, तो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करें तो हसन गंगू का पुत्र, यानी हम कह सकते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन का पुत्र इसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह प्रथम हुआ, जिसने 1358 से 1375 तक शासन किया। दूसरा जो आपका शासक है अलाउद्दीन मुजाहिद, 1375 से 1378 तक शासन किया। तीसरा मोहम्मद द्वितीय हुआ, जिसने 1378 से 1397 तक शासन किया। चौथा शासक हम बात करें ताजुद्दीन फिरोज शाह हुआ, 1397 से 1422 तक शासन किया। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अहमद शाह, 1422 से 1436 तक शासन किया। अलाउद्दीन अहमद शाह, 1436 से 58 तक शासन किया। मोहम्मद शाह, 1463 से 82 तक शासन किया। तो इस तरीके ये महत्वपूर्ण शासक हमारे रहे जो बहमन साम्राज्य के, जिन्होंने शासन की सत्ता को विस्तार करने के लिए समय समय पे अपने महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व का निर्वाह किया। अब दोस्तों
इसका पुत्र यानी मोहम्मद शाह प्रथम। इसने वारंगल और विजयनगर के हिंदुओं से युद्ध किया। मैंने जैसा कि कहा आपसे कि लगातार इन दोनों में संघर्ष होता रहा, क्योंकि दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इस विस्तार में इनकी आपस में संघर्ष होते ही रहे। और इसी के काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बारूद का प्रयोग पहली बार, तो इसने किया था। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में मैंने चर्चा किया था 1526 में, उसने बारूद यानी तोपों का प्रयोग किया था। तो बारूद की बात करें तो सबसे पहले प्रयोग में आप इसको लगाएंगे, और तोपों का प्रयोग यानी बारूद का सही रूप से जिस तरीके से तोपों के माध्यम से उसने प्रयोग किया था, तो वो बाबर ने किया था। तो यहाँ पे जो आपका एक महत्वपूर्ण बिंदु बन के आता है, बारूद का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, तो बहमनी साम्राज्य के शासक के समय में हुआ था। अब बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह हुआ, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कलीमुल्ला शाह हुआ अंतिम शासक, जो 1527 में गद्दी पर बैठा, और इसकी मृत्यु 1538 में होती है। और इसके बाद क्या होता है, आपका बहमन साम्राज्य पूरी तरीके पतन की ओर जाता है, यानी बहमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र 5 राज्यों में बट जाता है, और उन राज्यों से संबंधित क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, तो देखते हैं वो कौन कौन से हमारे राज्य हैं। इसके पश्चात बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, विजयनगर साम्राज्य में अंतिम पॉइंट में मैंने बताया था कि क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर मिलकर क्या करते हैं, संयुक्त मोर्चा में विजयनगर पर आक्रमण करते हैं, और संयुक्त मोर्चे की जीत हासिल होती है और विजयनगर का पतन हो जाता है। दोस्तों, बात करें हम राज्यों में, तो वो राज्य आपके बीजापुर के संस्थापक यूसुफ थे, और इन्होंने जो बीजापुर का अपना वंश चलाया था, बीजापुर का संस्थापक यूसुफ था जिसने आदिल शाही नाम से वंश चलाया था, और समय इसने 1489 में। दूसरा राज्य के बारे में बात करें, अहमदनगर था जिसका संस्थापक था मलिक अहमद, जिसने वंश चलाया था निजाम शाही 1490 में। तीसरा आपका हुआ बरार, जिसका संस्थापक था इमाद शाह, जिसने वंश चलाया था इमाद शाही 1490 में ही। इसके बाद गोलकुंडा का संस्थापक था कुल कुतुब शाह, जिसने वंश चलाया था कुतुब शाही 1512 में। और अंतिम जो आपका ये राज्य बना बीदर, जिसका संस्थापक था अमीर अली बरीद शाही वंश चलाया था समय 1526 में। तो इस तरीके दोस्तों, बहमनी साम्राज्य से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मुझे उम्मीद है कि इन बिंदुओं में इस पूरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।